ओके okay, तो आगे बढ़ाते हैं यार आपका कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा था ना इसमें तो कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा था भैया इसमें कुछ बातें हमने डिस्कस की थी आयोडा के बारे में डिस्कस किया था बाकी फॉर्मूले इसके देखे थे हमने कुछ छोटे मोटे से ओके okay, और कुछ क्वेश्चन किए थे डियर ठीक है आज उन्हीं क्वेश्चन की कुछ एक और सीरीज हम लेकर आएंगे और उसके बाद फिर जो इसमें हट गया हमारा पोर्शन पोलर फॉर्म वाला वो वा हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली वीडियो में मतलब उसको छोड़ूंगा नहीं मैं ठीक है वो सीखना जरूरी है क्योंकि आगे काम आने वाला है ओके तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर टेन है z1 वन इक्वल टू टू माइनस आई और z2 टू इक्वल टू वन प्लस आई तो अपन को निकालना है इसका वैल्यू किसका z1 वन प्लस जेड टू माइनस नहीं प्लस वन अपॉन ये आपके पास आया z1 वन माइनस जेड टू प्लस वन अपन को ये रूट नाइडियर ठीक है तो अब उसके लिए कुछ बातें मैंने आपको बता रखी थी मॉडल ऑफ z कितना होता है अंडर रूट रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ का स्क्वायर हमने मोटल सब्जेक्ट में पढ़ा हुआ था ओके जेड तो वन है Z2 है मुझे तो टू प्लस वन प्लस वन फोर फोर हुआ फिर फोर प्लस जीरो आई है ना और जेड वन माइनस जेड टू प्लस वन कितना आ जाएगा टू माइनस आई माइनस वन माइनस आई और प्लस वन ओके तो आएगा टू से चल दिया और टू कॉमन लेकर वन माइनस आई मैं सकता हूँ जेड वन प्लस वन अपॉन जेड वन माइनस जेड टू प्लस वन इक्वल टू ऊपर बोलो कितना आया वैल्यू फोर नीचे कितना आया टू इंटू वन माइनस आई इसकाउंड टू जब ठीक है तो पहले इसको रेसलाइज करते हैं उसके बाद जाके इसी का उपाय करेंगे बोलो कितना आएगा टू इंटू वन प्लस बी ए प्लस बी वन माइनस आई स्क्वायर ओके आई स्क्वायर कितना होता है माइनस वन तो कितना आ जाएगा टू इंटू वन प्लस आई अपॉन माइनस वन सॉरी वन प्लस वन ओके तो ये फाइनली आपको मिल जाएगा कितना मिल जाएगा अपॉन कितना आपका टू से टू चल दिया मोड निकाल लो इसका रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर इमेजनरी पार्ट आई मत लेना पार्ट जो है उसके साथ उसको बोलते हैं हैं रियल नंबर होते दोनों के दोनों तो कितना मिलेगा रूट टू आपका आ गया इसका वैल्यू देखो कितना सा क्वेश्चन था बहुत हल्का क्वेश्चन है ओके अगले पे आते हैं कुछ क्वेश्चन इसके करते हैं ना कि आगे बढ़ाते हैं चलो अगला क्वेश्चन देख लेंगे अगला तुम्हारे पास है इफ ए प्लस आई बी इक्वल टू एक्स प्लस आई अपॉन अपॉन टू एक्सक्वायर प्लस लेकर आना है क्वेश्चन अच्छा है बहुत ईजी कैसे बनेगा बहुत आराम से बनेगा एक काम करते हैं जो ए प्लस आई बी है मेरा मैं उसको पहले सॉल्व करना चाहूंगा एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन ऐसा है चलो इसको सिंपलीफाई करते हैं ए प्लस आई बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस कितना टू एक्स आई अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन इससे तो कोई आपत्ति आप नहीं है मुझे भाई है ना तो यहां से मेरे पास a प्लस आई बी का वैल्यू कितना आ गया एक्स स्क् माइनस वन प्लस कितना टू एक्स आई अपॉन में कितना टू एक्स स्क्वायर प्लस कितना आपका वन कोई इशू नहीं है इसमें ठीक है तो ये आ गया इतना ऐसा अच्छा एक मिनट प्रूफ दैट जो आपका था वो इसकी वैल्यू किसके गुराने तो लिखा ही नहीं है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लानी है ओके okay? इसकी वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल आनी है ठीक हो गया इतना ख्याल रखेंगे ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ठीक तो ये तो इतना आ गया मेरा है ना, अच्छा अब एक काम करते हैं मैं इसमें रियल पार्ट और इमेजरी पार्ट अलग अलग करता हूँ ए प्लस आई बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन फिर प्लस आई के साथ टू एक्स अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस एसा कर सकता हूं कोई बड़ा इश्यू इसमें नहीं है ठीक है फाइनली कितना एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस आई के साथ टू एक्स अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन लो भैया मेरे पास कॉम्प्लेक्स कंजुगेट भी आ गया और इसका दोनों हिस्से आ गया अब मैं निकालूंगा नाव ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी जिससे मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी इक्वल टू चलो भाई ए प्लस आई बी कितना दिखाई पड़ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन ठीक प्लस आई इंटू टू एक्स अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन हो गया ए माइनस आई बी एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन I into, कितना आपका टू एक्स अपॉन कितना square B square. यहां तो कोई आपत्ति नहीं है ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बोले तो एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर फिर माइनस बी स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा तुम्हारे पास ये हो जाएगा कितना आई स्क्वायर इंटू टू एक्स अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर लो भैया ऐसा आ गया तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो जाएगा आपका कितना एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर दोनों में एक क्वान्टिटी सेम है कौन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर है ना और माइनस आई स्क्वायर होता है माइनस वन तो ये हो जाएगा प्लस वन यानी कि कितना टू एक्स का होल स्क्वायर ऐसा कुछ ठीक हो गया इतना क्लियर है फोर एक्स स्क्वायर व फिर ठीक हो रहा है बढ़िया हो रहा है कितना आ जाएगा ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस कितना है टू ए भी दिख रहा होगा आपको ये चलो पूरा ही कर लेते हैं यार छोड़ो ये या आएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर का एक स्क्वायर फिर प्लस वन का स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस आपका आ जाएगा फोर एक्स स्क्वायर ठीक है अपॉन में कितना आ गया का होल स्क्वायर पहले ही कंजुगेट कर लेते तो और अच्छा होता है चलो कोई बात नहीं ऐसे ही सही अब ए स्क्वायर प्लस बी अपॉन में कितना प्लस वन का होल आंसर बोलें तो यह आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है कितना आ गया टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर और ये तुम्हारे पास हो गया इसका जो हमने प्रूफ करना था वो क्वेश्चन तुम्हारा बन गया है ठीक है खत्म करो इसको चलो अगला देखेंगे तुम्हारे पास है क्वेश्चन लेट आई जेड टूल टू माइनस टू प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ अपॉन जेड वन जेड वन बार तो कैसे आएगा जी बड़े आराम से आएगा पहले काम करते हैं रियल पार्ट ऑफ इतना सारा निकालने के लिए मैं एक क्वानिटी निकालूंगा जेड वन जेड टू अपॉन जेड वन बार निकालूंगा कितना आएगा जेड वन रखो टू माइनस आई जेड टू तुम्हारे पास है माइनस टू प्लस आई अपॉन जेड वन बार क्या होगा जेड वन अगर टू माइनस आई है जेड वन बार उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होता है ना टू प्लस आई हो जाएगा ठीक है तो आएगा फोर माइनस फोर फिर प्लस टू आई माइनस माइनस प्लस टू आई और माइनस आई स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा टू प्लस आई ठीक है तो ये कितना मिल जाएगा माइनस फोर प्लस कितना आई फोर आई माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू जाएगा माइनस वन तो प्लस टू प्लस आई ठीक है तो फाइनली कितना मिल जाएगा तुम्हें माइनस फोर प्लस वन माइनस थ्री प्लस फोर आई अपॉन कितना आया टू प्लस आई यही होगा चलो कंजूगेट से इंटू कलर टू प्लस टू माइनस आई अपॉन टू माइनस आई रेसलाइज कर रहे हैं तो मिल जाएगा माइनस थ्री टू जा माइनस सिक्स ठीक है माइनस थ्री और माइनस आई प्लस थ्री आई प्लस फोर टू जा एट आई माइनस कितना फोर आई स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा टू का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर फिर हो गई बात ठीक है बढ़ाओ आगे इसको कितना मिल जाएगा तो यह आ जाएगा माइनस सिक्स प्लस इलेवन आई प्लस फोर आई स्क्वायर माइनस वन होता है अपॉन फोर माइनस आई स्क्वायर प्लस वन ठीक है तो भाई साहब कितना मिल जाएगा माइनस सिक्स प्लस फोर माइनस टू प्लस कितना आई इलेवन आई अपॉन में कितना आपका फाइव यानी कि मिल जाएगा माइनस टू बाई फाइव प्लस इलेवन बाई फाइव आई क्या निकालना है अपन को रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू अपॉन जेड वन बार कितना दिख रहा है रियल पार्ट इसका माइनस टू बाई फाइव यह आपका आंसर हो गया ठीक है फिर कहता है इमेजरी पार्ट ऑफ वन अपॉन जेड वन जेड वन बार तो पहले मैं निकालूंगा सेकेंड पार्ट के लिए वन अपॉन जेड वन जेड वन बार जेड वन कितना था टू माइनस आई और z1 वन बार कितना होगा टू प्लस आई कितना मिल जाएगा का का स्क्वायर स्क्वायर ठीक है यानी कि कितना आ गया? आ गया गया तो क्या आएगा इसको जीरो बोलो फिर इमेजरी पार्ट ऑफ वन अपॉइन्ट जेड वन जेड वन बार इक्वल टू कितना आ गया इमेजरी पार्ट जीरो आ गया बस इतना सा क्वेश्चन तुम्हारे पास है है ना बहुत ही अगला क्वेश्चन है खत्म करो इसको अगले क्वेश्चन पे आते हैं देखेंगे फिर अगला आप फाइंड द रियल नंबर मुझे ये पता है कि कंजुगेट ऑफ इज द कंजुगेट ऑफ कितना माइनस सिक्स माइनस ट्वेंटी फोर आई मतलब ये पूरा सामान इसका कंजुगेट है तो क्या करा जाएगा एक्स माइनस आई वाई इंटू थ्री प्लस फाइव इसको बोलो इसका क्या होगा दोनों का साइन चेंज नहीं करते हैं का साइन चेंज करते हैं ख्याल रखना okay, अब मुझे एक्स और वाई ढूंढने हैं तो एक काम करता हूं इसको सॉल्व करते हैं थ्री एक्स प्लस फाइव एक्स आई माइनस थ्री आई वाई माइनस कितना फाइव आई स्क्वायर वाई यही होगा ठीक है थ्री एक्स और फाइव एक्स आई और माइनस आपका थ्री आई वाई और आपका बाकी ठीक है माइनस सिक्स प्लस कितना आई ट्वेंटी फोर आई ओके तो यार आपका आ जाएगा थ्री एक्स प्लस फाइव एक्स आई माइनस थ्री आई वाई आई स्क्वायर माइनस वन तो जाएगा प्लस फाइव वाई इक्वल टू माइनस सिक्स प्लस कितना ट्वेंटी फोर आई क्लियर है ओके अब क्या यह आ जाएगा तुम्हारा थ्री एक्स प्लस फाइव वाई रियल पार्ट पूरा ये हो गया कॉमन लेकर इमेजरी पार्ट हो गया फाइव एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू माइनस सिक्स प्लस ट्वेंटी को इक्वल करने का एक तरीका होता है मतलब अगर आपके पास ए प्लस आई बी इक्वल टू सी प्लस आई डी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं दोनों इक्वल हैं तो ये तभी इक्वल हो सकते हैं जब रियल पार्ट रियल पार्ट के इक्वल एंड इमेजरी पार्ट इमेजरी पार्ट के इक्वल होता है क्लियर होगी बात तो बोलो रियल पार्ट क्या है इसका थ्री एक्स प्लस कितना वाई फाइव वाई इक्वल टू माइनस सिक्स यहाँ का रियल पार्ट इक्वेशन वन हो गई और दूसरा क्या है तुम्हारे पास रिमेजनरी पार्ट तुम्हारे पास रहा फाइव एक्स माइनस कितना थ्री वाई इक्वल टू कितना आपका ट्वेंटी फोर इक्वेशन टू हो गई ठीक है इनको सोल्व करते हैं तो एक काम करें थ्री एक्स प्लस फाइव वाई प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो लिखता हूं और इसको लिखता हूं मैं फाइव एक्स माइनस थ्री वाई माइनस ट्वेंटी फोर इक्वल टू कितना जीरो करता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करूंगा दोनों एक्सा निकल के आ जाते हैं और जल्दी आता है एलिमिनेट करने में लगे रहूं ठीक है एक्स अपॉन कुछ वाई अपॉन कुछ और वन अपॉन कुछ क्या होता है रूल पता होगा एक्स अपॉन कुछ में एक्स वाली कॉलम ढक देते हैं ये आप गायब कर दोगे है ना एक्स वाली कॉलम गायब करने के बाद जो कोफिशियंट बचते हैं कितने बच रहे हैं फाइव माइनस थ्री सिक्स और माइनस ट्वेंटी फोर ठीक है वाई वाली कॉलम में वाई वाला हिस्सा गायब कर दोगे क्या बच रहा है जो अगले से शुरू होगा सिक्स माइनस ट्वेंटी फोर यह आपने सॉल्व करना सीखा हुआ है थ्री और फाइव ठीक है थ्री और फाइव और कॉन्सटेंट वाले में कॉन्स्टेंट रख दोगे वन वाले में तो जो बचा थ्री और फाइव और साथ में कितना फाइव और माइनस थ्री क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड आपने सीखी हुई वही लगा रहे हैं कितना मिलेगा ये मिल जाएगा आपको एक्स अपॉन चलो मल्टीप्लाई करो ट्वेंटी फोर फाइव जा फाइव फोर जो ट्वेंटी फाइव टू जो टेन वन ट्वेंटी माइनस के साथ अपनी ओर से माइनस आता है एक और माइनस प्लस कर देगा फिर सीखा कितना हो जाएगा एटीन ये तो सीखा था आपने टेंथ में ठीक है इक्वल टू वाई अपन आपने जो तरीका अप्लाई करना है इसको सॉल्व करने के लिए आप वो भी लगा सकते हैं कोई ऐसी जरूरत की बात नहीं है थर्टी और अपनी ओर से माइनस एक माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा थ्री फोर जब ट्वेल्व थ्री टू जैर सिक्स और वन सेवन इक्वल टू वन अपन ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास थ्री थ्री जा नाइन माइनस नाइन और अपनी ओर से माइनस वाई फाइव जा ट्वेंटी फाइव ठीक है यहाँ इंटू यहाँ इंटू होता है यहां इंटू यहाँ इंटू होता है ओके तो भैया कितना मिल जाएगा एक्स अपॉन माइनस वन वन सॉरी टेन में हिट गया टू और वन जीरो टू ठीक और यहाँ पे आपका आ जाएगा वाई अपॉन टू वन जीरो टू सेम आ रहा है और यहां पे आ जाएगा वन अपॉन थर्टी फोर ठीक है क्लियर चलो एक्स निकालेंगे कितना आ जाएगा माइनस वन जीरो टू अपॉन थर्टी ये थी थी फोर ये बताया थ्री जा थ्री फोर जा ट्वेल्व थ्री जा नाइन टेन थ्री जा ठीक हो गया और वाई तुम्हारा आ रहा है कितना वन जीरो टू अपॉन थर्टी फोर ये भी आपका थ्री जा तो एक्स कितना आ गया माइनस थ्री वाई कितना आ गया आपका प्लस थ्री